नमस्ते दोस्तों, वेलकम आपका अपने ही चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जीजी प्लांट के बारे में, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मेरे बोल रहे थे कि जीजी प्लांट कौन सा होता है। तो मेरे पास है ग्रीन जीजी, एक ब्लैक भी होती है, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ग्रीन जीजी, तो ये फुल ऑक्सीजन प्लांट है और हम इसको इंडोर आराम से रख सकते हैं। इसकी जो दो तीन पत्तियाँ खराब हो चुकी, जो कि हम निकाल देंगे, क्योंकि पौधा अपनी एनर्जी नई पत्तियां बनाने में लगाएगा। तो ज़्यादा सर्दी में ये दो ही पत्ती खराब हुई थी, बाकी सारा ठीक चल रहा है। और कितनी सर्दी पड़ी देखो, ये आराम से चलता रहा है। हम इसको बेडरूम, ड्राइंग रूम कहीं भी रख सकते हैं, और इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। ये सेमी शेडेड एरिया में आराम से चलेगा। यहाँ पर हमारे शेड में ब्राइट लाइट आती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती। डायरेक्ट धूप तो उधर गमलों पे आती है, तो ये इसी में, ये इसी पोजीशन में इसको 11-12 महीने होने लगे और ये आराम से चल रहा। इसी में से मैंने एक पत्ती ये निकाल के इसमें ग्रो की थी, और इस तरह की मिट्टी ही इसको पसंद है जो कि मॉइस्चर होल्ड रखे बस। तो इसको भी मेरे को रिपोर्ट करना है, लेकिन मैं अभी एक दो दिन में करूँगी, क्योंकि पोर्ट का अभाव है। वो तो हमेशा रहता ही है, किसी भी पौधों के शौकीन व्यक्ति के पास ये प्रॉब्लम होती है कि उसके पास कभी भी एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं होते, कभी कटिंग कभी कुछ लगा देते हैं। तो बात यह है कि हमारे पास ये, हम इसको 100% रख सकते हैं ड्राइंग रूम बेडरूम, तो इसे धूप की इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे क्या नाम बिचंडी या वगैरह को तो हफ्ते में एक बार धूप दिखानी होती है, अन्यथा ये मर जाते हैं। इसी तरह से है हमारा ये स्पाइडर प्लांट, ये भी एयर प्योरीफाई प्लांट है और फुल ऑक्सीजन देने वाला है। वैज्ञानिक भी इसको शोध कर चुके, और मात्र एक इससे इधर से ये लगा दीजिए कटिंग, और एक साल में देखो कितनी फूटा हो गए, तो पूरा गार्डन स्पाइडर प्लांट से भर जाएगा। बहुत लवली प्लांट है, एक बार ऐड कीजिए तो सालों साल बना रहेगा। और ये रहा हमारा पेनीवर्ट, ये पूरी सर्दी, कितनी सर्दी हुई अब की बार, तो ये पूरी सर्दी मैं इसी टेबल पर रखे रखे और इनका कुछ नहीं बिगड़ा। और मात्र एक इधर से पत्ती निकालें, ये पत्ती से भी ग्रो होने वाला है, और इधर से हम ये इधर से स्टेम निकालेंगे, ये इधर से भी हो जाएगा ग्रो। इसके नीचे बल्ब होते हैं, तो वो ज़्यादा पानी में अगर हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो गल जाते हैं, तो इसको हल्का ही पानी चाहिए। यदि आप नर्सरी से परचेज करते हैं तो इस पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने भी एक स्टेम्स लगाई और उसके नीचे बल्ब भी बन चुके थे 4-5 महीने के अंदर, लेकिन बारिश आई और वो मैंने वहीं छोड़ दिया, ध्यान नहीं किया, तो उसके बल्ब गल चुके। तो इसे खरीदने से पहले आप यही देखेंगे कि हमें पानी कम देना है, मिट्टी में अपना वो क्या नाम कोकोपीट वगैरह मिला दें तो मॉइस्चर होल्ड रखता है वो। तो इस तरह से आप भी लगाएं, अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और अंदर भी रख सकते हैं आराम से हम इसको। ठीक है दोस्तों, आप हम इसमें थोड़ा कभी कभी ना मेरा माँ एक्सम सॉल्ट, तो इसको थोड़ा सा डाल दूंगी मैं आज। देखिए ये रहा, कोई भी कंपनी का हो, कोई कंपनी की बात नहीं, तो थोड़ा सा हम इस तरह से डालेंगे इसमें, और कल मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे दूंगी, क्योंकि इसमें गुड़ाई निलाई की जगह नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें गुड़ाई करूंगी तो इसके बल्ब वो हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो मैं इसमें आराम से इस तरह से यही डाल दूंगी और थोड़ा सा इधर डाल दूंगी, कल मैं इसमें पानी डाल दूंगी। बाकी 4-5 महीने से मैंने एक दिन इसमें नीम की खली की लिक्विड डाला था, और बीच में आलू प्याज, कोई मैंने इसे फर्टिलाइज नहीं किया, तो इसी तरह ये बेचारा चल रहा है। तो आप भी इसको लगाइए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका बहुत धन्यवाद।